बड़ा अपडेट, क्या पबजी की तरह बीजीएम इंडिया में बैन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से हटा लिया गया है। तो इसके लेकर ट्विटर पर बहुत सारे कमेंट और रिएक्शन दिए जा रहे हैं कि पबजी की तरह बीजीएमआई भी बैन हो गया है इंडिया में। तो दोस्तों क्या है सच्चाई, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, और क्या क्या अपडेट्स हैं बीजीएम से रिलेटेड, आप इस वीडियो में पूरा देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही चल गया कि बीजीएमआई को हटा लिया गया है गूगल और प्ले स्टोर से। तो यहाँ पर दोस्तों अभी यूजर सिर्फ सिर्फ गूगल से एपी की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करके डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं अभी, क्योंकि दोस्तों ऐसे में कुछ कहीं से भी कोई खबर नहीं है कि बिल्कुल पबजी की तरह ये बीजीएमआई अपडेट कर अब बैन कर दिया गया है, जिससे कि आप डाउनलोड नहीं करेंगे और कनेक्शन भी हट जाएगा और आप खेल नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्राफ्टन ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है जिससे कि बीजीएमआई को हम बैन मान सकते हैं या फिर इंडिया में बैन हो गया, कहीं पर भी ऐसी न्यूज नहीं है कि इसे सरकार ने कहा है या फिर क्राफ्टन ने कहा है कि इसे गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से इसे हटा लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसे रिमूव कर दिया गया। कोई कोई ये भी क्यास लगा रहे हैं प्लेयर्स कि कोई शायद बड़ा अपडेट आने वाला है बीजीएमआई में। और जहां पर क्राफ्टन ने कहा है कि पहले हमने यहाँ पर 100 मिलियंस डॉलर यूज यहाँ पर खर्च किया है इंडिया में इस बीजीएमआई पे, अभी हमारा फिलहाल 140 मिलियन और खर्च करने का है इरादा और सेक्टर में। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा अपडेट भी आ सकता है, क्योंकि बैन होने से रिलेटेड कोई खास न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन इसे हटाने से थोड़ी अफरा तफरी मची है प्लेयर्स में कि इसे बैन कर दिया गया है। बस दोस्तों अभी तक इतना अपडेट आया है। अगर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बीजीएमआई बैन हो जाता है तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पता होगा जैसे मोबाइल पबजी मोबाइल गेम बैन हुआ था तो दोस्तों सीधा ही अनाउंसमेंट हो गया था कि इतने 24 घंटों के अंदर वो कनेक्शन भी काट लेंगे और वहां से आप खेल भी नहीं पाओगे। अभी ऐसा फिलहाल बीजीएमआई में नहीं है, प्लेयर्स बड़े आराम से अभी खेल रहे हैं और क्राफ्टर ने भी कोई क्लियर न्यूज नहीं दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं आया कि बिल्कुल बैन हो गया।